कैसे बोलते हो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। मम्मी देख लियो तुमको क्या कह रहे हैं। अच्छा बताओ क्या कह रहे हो। कह रहे हैं उल्लू पे 5 वाक्य लिखने, जल्दी बताओ। उल्लू पे ये बैठे तो है उल्लू, लिख लियो जितना लिखे कोई इनके ऊपर। ए उस दिन की मार भूले नहीं हूं ना अब तक, उस दिन की पिटाई समझ में नहीं आई है। अरे हम रोज पिटते हैं, हमका कोनो फर्क नहीं है। तो तुम आज ही पिटोगे बता रहे। जब तक मजाक में ले रहे तब तक कोनो पीट ले, पर एको चाटा अगर सीरियसली ले लिया तो बताए दे रहे हैं बड़े बड़न की मुच्छे नोच के डिब्बन में भरा है। और ये जो तुनकी तुनकी धरे हो इनका नवाचम टाइम ना लागी। अरे पापा बताओ इधर। कबो अपनी मम्मी से पूछ लिया करो कि खाली खौबे जनती जा रहे बताने। कहाँ चली सवारी। ए, हमको तो टोकने ओकने की हिम्मत ना कर देना, हम मजाक मूड में है नहीं। कहे कि तुम तो हमेशा रहते हो खोपड़ा फाड़ देंगे, चिल्लाते रह जाओगे। जा रहे पावर हाउस से बम फोड़ के आएंगे, बत्ती आ नहीं रही। IPL पूरा चल रहा, शुरुआत से खत्म होने वाला हो गया, शुरुआत से खत्म होने वाला हो गया। एक मैच नहीं देखा अब तक। जब बम की आवाज सुनाई पड़ेगी ना दिल दहल जाएगा आज देखना। ए कौन सा बम दगाने जा रहे हो। परमाणु बम दगाने जा रहे हैं, चौबे की दुकान से लेके आए हैं। जाओ बता दो जाके जिसको बताना है। शकल देखो परमाणु बम दगाई है। भैया चेक कर लेती हूँ कहीं परमाणु ही बम तो नहीं। अबे परमाणु बम सबके पास नहीं होता है, जब वो बड़ी चीज होती है। सब लोग परमाणु बम दिए नहीं घूमते रहते हैं, जिनके पास राइफल होती है उनके पास होता परमाणु बम। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। अबे यार तुम बिल्कुल वही हो, क्या क्या कहते हैं उसको, बैलान। ये बैलान है बिल्कुल। अरे भैया बैलान से याद आया, जो पीछे गुप्ता जी नहीं रहते मैकली में, उनकी कल टीम जीत गई रहे तो पूरी छत भरे नाच रहे रहे। तो बस तो कुछ नहीं, बैलान से याद आया ना, समझ जाया करो फिर। यार गुप्ता जी की बात हमारे सामने ना बोला करो, उनके बहुत पैसे घमंड। वैसे भैया ये क्रिकेट वाले लोग बहुत कमाते होंगे। और नहीं तो का तुम्हारी तरीके कटोरा लेके रोड पे बैठते। अरे ये कटोरा लेके रोड पे नहीं, लोटा लेके मैदान बैठा था सुबह सुबह। ए ए ए ए ए हमारी अंतिया सब दिखता है। ज्यादा नहीं समझे, बहुत देर से सुन ले। हमारा खूंखार खून अगर खोल गया ना तो तुम्हारी खोपड़ी की खाल खींच के खरगोश को खिला देंगे। तुमको पता है काय के लिए परेशान कर रहे हैं। काय? हम लोग IPL की बातें करने लगे ना इसलिए। नहीं कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको जितना मारो चाहे जितना पीटो वो लोग सुधरने के बजाय उल्टा और बदतमीज होते चले जाते हैं। उनकी औते ही अकड़ जाती है। उस दिन जब मारा था ना तो इनके दिमाग में 3 घूसे जड़ दिए थे, उसी में इनका दिमाग गया हिल और ये दोबारा चाहते हैं। और हम तुमको बता दें जिनके पास दिमाग नहीं वो IPL का फैन नहीं बन सकते। IPL के फैन सिर्फ दिमागदार लोग हैं। ये दिमागदार है, गजेड़ी हैं। तुम क्या हो? हम महागंजेड़ी हन। एक काम करो तुम आज बता दो है? एक काम करो तुम आज बता दो कि तुमको IPL से दिक्कत क्या है? दिक्कत है खाली फिक्सिंग। क्या? IPL होता फिक्स पूरा। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है क्या फिक्स होता है? अरे प्रूफ है इसके लिए तो बताओ जरा। एक मैच में एक बल्लेबाज है 200 मार रहा, 300 मार रहा, 500 मार रहा, दूसरे मैच में 0 पे आउट हुई रहा। एक बॉलर एक मैच में 7 विकेट ले रहा, 8 विकेट ले रहा, 15 विकेट ले रहा, 20 विकेट ले रहा, दूसरे मैच में 100 रन पिटवा रहा। एक ही फील्डर एक मैच में लथिर लथिर फील्डिंग कर रहा, ऐसा फील्डिंग कर रहा कि घास उधड़ी जा रही। वह फील्डर उड़ी उड़ी कैच पकड़ रहा, पवेलियन से कैच पकड़ पकड़ी ला रहा, दूसरे मैच में झोला कैच आ रही वह नहीं पकड़ पा रहा। एक टीम एक IPL में इतने मैच जीत रही कि टॉप पे बनी है, दूसरे IPL में बिल्कुल नीचे जा रही है, एक को मैच नहीं जीत पा रही। ये हमारी टीम के बारे में कुछ ना कह दे रहा, सर पे जितने बाल है ना सब उखाड़ के हाथ में रख देंगे। अरे हमारे सर पर तो बाल है नहीं, हम तो चंद चुतैया हन। नहीं वो छोट छोट वाले होंगे। अरे हमारे कुछ नहीं, हम रोज घुड़वाते हैं, हमारा पूरा साफ चंद्रमा है। वही कहते नहीं चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे पूर के,
आप खा। पापा मम्मी कह रही मिट्टी के तेल लेके आओ दुकान से। काहे मिट्टी के तेल का करी है, चल के मरा चाहती का।